Hey guys, welcome back to my new YouTube video, Punit Vlogs. तो कैसे हो आप सब? तो guys, आप लोग की बहुत ज्यादा डिमांड थी कि बिरयानी रेसिपी लाओ, बिरयानी रेसिपी यहाँ, तो मैंने बिरयानी वाले को घर पे बुला लिया, तो बिरयानी रेसिपी आज मिलेगी आप सबको और हमें खाने को और हम लोगों को खाने को और हमें बनाने को। तो guys, आप लोगों के बहुत सारे कमेंट थे जब जब हम बिरयानी खाते थे कि बिरयानी रेसिपी शेयर करो, बिरयानी रेसिपी शेयर करो। तो आज आप लोगों के लिए बिरयानी रेसिपी आ रही है। कुछ कहना चाहूँगा गाइस, हमने दो काम वाले बुला रखे हैं, एक साकेत से और एक द्वारका से। तो आप लोग कुछ कहना चाहोगे? दुआ करना बिरयानी अच्छी बने। वो तो नहीं बनेगी, फिर आपसे पैसे ले लिए जाएंगे। और गाइस, अभी हम तैयारी कर ले पहले, फिर हम मिलते हैं। हाँ, अभी आपको दिखाते हैं कि बिरयानी कैसे बनती है, रेसिपी क्या है पूरी, कितना कितनी क्वांटिटी में क्या क्या सामान चाहिए, वो सब आपको दिखाएंगे। तो गाइस, ये है हमारे डबल चाबी, ये चिकन बिरयानी के लिए डबल चाबी राइस लगता है, और ये हमने लिया 1 किलो, यानी कि 1 kg। ओके, तो अभी हम इसको 30 से 40 मिनट्स के लिए भिगो कर रख देंगे। ठीक है, तो ये अच्छे से भीग जाएगा, अच्छे से वॉश करके मैं ऐसे भिगो रही हूँ। ठीक है, फिर हम इसे बॉईल करने के लिए रखेंगे, तब मैं दिखा दूंगी। और मैं इसे भिगो रही हूँ, ठीक है। और ये मैंने गैस पर अभी कढ़ाई रख दी है। ओके, और ये मेरे पास है 3 प्याज, जिसे मैंने ऐसे स्लाइसेस में कट किया है। ओके, तो हम इसे अभी ऑयल में फ्राई करेंगे, और ये ऊपर से गार्निशिंग के लिए काम आता है। ब्राउन अनियन जो हो जाते हैं ना बिरयानी में मिलते हैं, वो आएंगे। तो मैं अभी ये कढ़ाई गर्म हो चुकी है, मैं इसे पॉच और ऑयल हम यूज़ कर रहे हैं बिरयानी में। गाइस, सरसों के तेल में बिरयानी मत बनाना यार, वो टेस्ट ना नहीं आता, थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। हम पॉचन यूज़ कर रहे हैं। अभी मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है, अभी हम ऑयल के गर्म होने का वेट करते हैं, तब तक मैं इन्हें भिगो देती हूँ। तो अभी ऑयल जो है वो गर्म हो गया है, तो मैं ये स्लाइसेस जो अनियन स्लाइसेस थी 3 अनियन का, उसको मैं कढ़ाई में डाल दूँ। हमें इसे बिल्कुल गोल्डन ब्राउन होने तक ना इसका वेट करना है, और फिर हम इसे निकालेंगे। ये हमारे जो अनियन थे ब्राउन हो चुके हैं, मैंने कढ़ाई से बाहर जला दिए गलती से, कैसे ब्राउन हुए यार? वो ऐसे ही करने हैं तो नहीं ऐसे करने हैं। ठीक है, अब हम इसे न्यूज़पेपर पर ऐसे लगाएंगे, और ड्राई करने के लिए, ड्राई होने के लिए हम इसे रख देंगे। गाइस, इससे बढ़िया तो बाहर से बनी बनेगी। जबकि हम बना रहे तो तुझे इतनी प्रॉब्लम हो रही है गाइस, वो नीचे आग ना लग जाए। गैस बंद, घर की बिरयानी साफ सुथरी होती है, साफ सुथरा चिकन होता है, घर का चिकन। और गाइस, अगली रेसिपी आएगी दलिए की। तो गाइस, ये हो गए हमारे, क्या बोलते, रोस्टेड फ्राइड अनियन, अनियन फ्राइड हो गए गाइस। चलो, हमने कर लिया एक स्टेप कंप्लीट। हाँ, तो गाइस, मैंने अपने फ्राई अनियन निकाल लिए हैं। ओके, और जो कढ़ाई में, उसी कढ़ाई में हमने 2 चमचे बड़े वाले ऑयल डाला है, फॉर्चून ऑयल रिफाइंड वाला। ठीक है, बाकी आप लोग अपने हिसाब से देख लेना तेल। हाँ, वो भाई आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। अब जब ये ऑयल गर्म हो जाएगा, तो हमने यहाँ पर 3 अनियन जो है वो रफली चॉप करके रखे हुए हैं, और 3 ही टमाटर लिए हैं, और ये 3-4 हरी मिर्च है जिन्हें मैंने स्लाइस करके रखा हुआ था। और क्योंकि हम हरी मिर्च का अचार भी ऐड करेंगे, तो इसलिए हमने हरी मिर्च जो है वो कम रखी है। तो अभी हम इनको अच्छे से ग्रेवी जैसा बनाते हैं, नॉर्मल चिकन हम वैसे बनाएंगे। तो हम तेल का गर्म होने का वेट करते हैं। ओके ओके, तो गाइस, हमारा जो ऑयल है वो गर्म हो चुका है, और अब हम इसमें ये अपने जो अनियन है, तो ये अनियन जो है हमारा ऐसा ब्राउन हो गया है। ठीक है, अब इसमें डाल रहे हैं लहसुन अदरक का पेस्ट। का ये जो पैकेट वाला आता है, आप ये वाला ले लेना, मैंने भी ये वाला ही लिया है छोटा वाला, ये शायद 5 रुपए वाला आते हैं, तो आप ये वाला डाल देना, पूरा ही डाल। हाँ, 1 चम्मच पूरा ना, इसमें 1.5 स्पून जो है वो पेस्ट आता है, तो आप ये वाला ऐड कर देना। जब
अनियन थोड़े वो हो जाएंगे ना ब्राउन, हम सब करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर आप इसको पहले डाल दोगे ना अनियन लहसुन अदरक के पेस्ट को पहले डाल देंगे तो वो जल जाता है, तो हम इसको अनियन के साथ में डालते हैं। ओके, तो ये अब लहसुन अदरक का पेस्ट भी आप तब तक इसको थोड़ा पका लीजिए जब तक इसकी स्मेल ना निकल जाए। हाँ, जो कच्चापन होता है ना वो आपको स्मेल से पता चल जाएगा, और जो हमारे अनियन है वो भी हो चुके हैं। नाउ अब हम ऐड कर लेते हैं अपने टमाटर को। ओके, तो ये टमाटर हमारा देखिए ऐसा हो रहा है, ये मसाला जो बना है हमारा प्याज और टमाटर वाला पेस्ट थोड़ा सा ग्रेवी जैसा हो गया है। अब इसमें ये जो है 1.5 किलो चिकन है, ठीक है, हमने इसको अच्छे से वॉश करके रख लिया था, और अब हम इसमें डाल देंगे तो थोड़ा चिकन जो है वो भी भून जाएगा। इसमें गाइस इसमें एक कढ़ाई और चढ़ाई है, उसमें डाली है 2 गिलास पानी। नहीं भी डाल रही हूँ पानी, 2 गिलास आपके जितने राइस है आप उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा डालिए। 3 गिलास 1 किलो चावल में 3 गिलास नहीं और 4 एटलीस्ट 6 गिलास 5 आपके चावल जो है ऊपर तक आ जाने चाहिए, मतलब 1 किलो चावल में हमने 6 गिलास पानी डाले, बाकी आप अपने हिसाब से देख लेना। हमें सिर्फ बॉइल करना है ना, ये पानी जब बॉइल हो जाएगा तो हम इसमें राइस डालेंगे और अपने जो मेन जो है हमारे खड़े मसाले, ये देखो ये गाइस हमने लिए खड़े मसाले, ये हमारे पास तेज पत्ता है, दालचीनी है, जावित्री है, इलायची, काली मिर्च, लौंग, बड़ी इलायची, तो और जीरा, ये सब जो है हमारे इतने सारे जो है ये हमारे खड़े गरम मसाले हैं, इन्हें हम इस गरम पानी जब गरम हो जाएगा ना तो इसमें हम ये खड़े मसाले डालेंगे और फिर उसमें हम राइस डालेंगे और फिर आगे बताते हैं हम क्या करने वाले। ओके, तो ये हमने जो चिकन रखा था गाइस, ये चिकन जो है हमारा थोड़ा सॉफ्ट होने को है, भुन गया है जी ना टमाटर और प्याज के साथ, तो अब इसमें हम डालेंगे अपने मसाले। कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल से घर वाले मसाले हैं, कुछ बहुत स्पेशल नहीं है। ओके, तो हम पहले अपना मसाले जो है वो एक कंटेनर में ऐड कर लेते हैं। ये देखिए 1 चम्मच जो है लाल मिर्च है, ठीक है, आप अपने हिसाब से, अगर आप ज़्यादा खाते हो तो ज़्यादा ले लेना और कम खाते तो और कम, है ना। 1 चम्मच लाल मिर्च हो गई, और ये धनिया पाउडर है, ये मैं 3 चम्मच डाल देती हूँ, ये तो बढ़िया लगता है ना। और उसके बाद हमारा ये चिकन मसाला, ओके, ये 1-2.5 स्पून मैं जो है वो चिकन मसाला ऐड कर देती हूँ, ठीक है, और ये जाएगा हमारा इसमें 2.5 स्पून डाला था, मैं 1 चम्मच और डाल लेती हूँ, मतलब मेरे पास 2 छोटे वाले पैकेट थे चिकन मसाला के, मैंने ऑलमोस्ट दोनों पूरे डाल दिए हैं, और ये थोड़ी सी मैं काली मिर्च ऐड कर रही हूँ, है ना, अपने टेस्ट पर आने काली मिर्च पाउडर, क्योंकि यार बिल्कुल फीका फीका खाना भी बढ़िया नहीं लगता ना यार। और नाउ इट्स टाइम टू ऐड सॉल्ट। ओके, ये 1, ये नमक है 1, मुझे लगा बूरा है, हाँ, ये 2 चम्मच मैंने नमक डाल दिया चिकन में, क्योंकि जब हम राइस बॉईल करेंगे तो उसमें अलग से जाएगा। ओके गाइस, देखो ये पानी जो है बिल्कुल उबल चुका है, आप देख सकते हो बबल्स आ गया इसमें, अब हम इसमें जो है अपने जो गरम मसाले थे ना वो ऐड कर देंगे। ओके, और साथ में आप 1/2 नींबू का रस अब इसमें डाल देंगे ना तो आपके जो राइस है ना बिल्कुल वाइट और बिल्कुल खिले खिले से सुंदर सुंदर से दिखेंगे और वो चिपकेंगे इसमें। ठीक है, या एक पूरा नींबू डाल दिया है इसमें गर्म पानी में, खड़े मसाले 1 नींबू गया है, और मैं इसमें
ये थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डाल रही हूँ, हाँ, इससे जो है कि चावल ना चिपकेगा नहीं और थोड़ा ना खिला खिला सा वो हो जाएगा। मैंने 3/4 स्पून जो है फॉर्चून डाल दिया है इसमें, और ये अब हम इसमें डालेंगे सॉल्ट। और चिकन देखो, चिकन भी हमारा इतना सुंदर भून गया है। ये 4 गिलास ये देखिए चिकन जो है वो इतना सुंदर सा भून गया हमारा। मन कर रहा अभी खा लो। 4 गिलास के हिसाब चावल के हिसाब से 1 किलो चावल में हम 2 चम्मच नमक डाल देंगे। तो देख इसमें आया, देख तुमको बढ़ जा रहा, देख ये बड़ा आया है। ये चावल जो हमने भिगो कर अच्छे से वॉश करके रखे थे, अराउंड ये 30-40 मिनट भिगो के रखे थे, अब ये हमने गर्म पानी में हम डाल दिए। जब तक ये 80% कुक हो जाएंगे तो हम इसे गैस बंद करके चावल को निकाल लेंगे। तो गाइस देखिए, अब चिकन में मैंने मसाले डाले थे वो, ये ऑलमोस्ट जो है बन गया है, ऑलमोस्ट कुक हो गया मेरा चिकन। अब आप ना ये ले आना ज़रूर, कायनात का बिरयानी मसाला, या ये ना मतलब प्यार है ये मेरा प्यार, ये बिरयानी मसाला है कायनात का। इसकी जो फ्रेगनेंस है ना, इसका जो टेस्ट है, इसकी जो खुशबू है ना, वो बिरयानी में 4 चांद लगा देगी। अब हम इसमें ये डालते हैं, मतलब जो इतनी मेहनत कर रहे हैं वो 4 चांद नहीं लगाएगी, खाली मसाला लगा देगा। एग्जैक्टली, मसाले जो होते हैं ना भाई बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं बिरयानी में। कायनात का बिरयानी मसाला मतलब जान है जान, और ये कोई प्रमोशन नहीं है, ये हमारा खुद का एक्सपीरियंस है। हाँ, कलर देख रहे हैं आप, बस यही चाहिए हमें जिंदगी में। गाइस चिकन जो है ना वो ऑलमोस्ट 70% ना कुक हो चुका है, 70-75% तक कुक हो चुका है, ठीक है। तो अब मैं इसको ना गैस को ऑफ कर रही हूँ, क्योंकि फिर जो हमारे राइस, जब राइस बॉईल हो जाएंगे ना हमारे 80%, तब तो हम राइस को इसमें ऐड करेंगे और दम लगाएंगे, उसके बाद हमारी बिरयानी रेडी हो जाएगी। तो मैं चिकन का जो गैस है वो मैं अभी के लिए मैं उसको बंद कर देती हूँ, ठीक है, वरना चिकन जो है वो घुल जाएगा तो वो इतना अच्छा लगेगा नहीं, तो मैं इसे ऑफ कर दूँ। ओके, तो गाइस जो राइस है ना वो 80% कुक हो चुका है, ये देखो, ठीक है ना, हमने गैस बंद कर दिया। अब हम राइस निकाल लेंगे और फिर अब चिकन वाली जो कढ़ाई है ना उसमें ऐड करेंगे। ओके गाइस, तो चिकन बिरयानी हो और फिर चटनी ना हो तो ऐसे तो मज़ा आएगा नहीं किसी को। तो हम चिकन बिरयानी के साथ जो चटनी लगती है टमाटर वाली, उसकी रेसिपी भी साथ में ही शेयर कर रहे हैं। तो हम, हमारे पास कम से कम 12-15 लाल मिर्च जो होती है सूखी वाली, ठीक है, हमने उसको गर्म पानी में बॉईल कर लिया है, ठीक है, हमने वो बॉईल किया है। हमारे पास 10 से 15 ही हरी मिर्च है, और ये हमने 4 बड़े टमाटर लिए हैं, और ये कम से कम 10 से 15 जो है वो लहसुन की कर लिया है। इन सबको हमने कुछ नहीं करना, लाल मिर्च बॉईल की है बस, ठीक है, और इन सबको हमने मिक्सर में ग्राइंड कर लेना है, ठीक है, और उसमें हम सिर्फ सॉल्ट ऐड करेंगे और कुछ भी नहीं। गाइस जैसे कि हमारी चटनी हो गई बनके एकदम तैयार, वाओ, इसमें सॉल्ट और हरा धनिया भी ऐड किया ना। हाँ, सॉल्ट और हरा धनिया भी ऐड करा इसके अंदर। ओके, तो गाइस चिकन रेडी है, हमारे राइस रेडी है, राइस भी रेडी है, ठीक है। अब हम इसको ना दम लगाने वाले हैं, उससे पहले हमें इसकी जो लेयर है ना वो हम एक लेयर लगा रहे हैं, उसको हम रेडी करेंगे, मतलब थोड़ा सजाएंगे। तो उसके लिए हमारे पास ये फ्राइड अनियन है, ठीक है, ये हरा धनिया है बिल्कुल फ्रेश और चॉप किया हुआ, और फूड कलर हम यूज़ करेंगे, फूड कलर है हरी मिर्च का अचार है हमारे पास, और हमारे पास है ये देसी घी, हम ये यूज़ करने वाले हैं अभी। और दम लगाने के लिए हम यूज़ करेंगे एल्युमिनियम फॉइल। ओके, सो मैंने आपको बताया था कि कायनात का मसाला लेना आपको चिकन बिरयानी, जब कायनात का चिकन बिरयानी मसाला लेंगे तो उसमें आपको ये मिलेगा केवड़ा, ठीक है, और अगर आपके पास ये नहीं भी है तो इट्स ओके, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये इसका सिर्फ ना फ्लेवर जो आता है ना, फ्रेगनेंस जो आती है वो बहुत अच्छी होती है, तो वो बहुत अच्छी लगती है। अगर नहीं है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं, आपकी बिरयानी वैसे भी अच्छी ही बनेगी। तो हाँ, जो ये फूड कलर है ना, हम इसको केवड़ा के अंदर ही ना
वो मिक्स कर लेंगे ताकि फिर हमें पानी वानी ऐड ना करना पड़े। ये देखिए ऐसे वो नहीं रखना भाई। हमारा केवड़ा, इसकी खुशबू होती है ना, मतलब इतनी कातिल होती है ना सच में। आज तो ऐसी खुशबू आ रही है उस जैसी, बहुत कातिल खुशबू है इसकी। और ये हम थोड़ा अपना कलर ऐड करेंगे। इसको हम फोन से अच्छे से आप मिक्स कर लीजिए। तो पहले मैं जरा इसमें हरी मिर्च का थोड़ा अचार ऐड कर देती हूँ। वैसे तो ऑलमोस्ट जो हमारी बिरयानी है वो स्पाइसी, मतलब ठीक है हमारी स्पाइसी थोड़े, मैं ये इसमें ऐड कर रही हूँ। लेकिन बिरयानी में ना ये वाला जो अचार है बहुत टेस्टी लगता है। आप कॉर्नर में डाल दीजिए, मैं थोड़ा इसको मिक्स कर दूंगी। वैसे थोड़ा मैं इसको पहले मिक्स कर देती हूँ हरी मिर्च के अचार को, ताकि वो सिर्फ एक ही जगह पर ना रह जाए। हाँ, गैस जो है मैंने ऑन नहीं रखी हुई अभी, क्योंकि हम ये सारा सब कुछ एक बार लगा करके ना फिर इसको दम पर रख देंगे बस। तो मैं अभी राइस की लेयर लगाने वाली हूँ। ये देखो, ओके, तो मैंने कढ़ाई में नीचे चिकन था उसमें राइस की लेयर लगा दी है। ठीक है, अब हम इसको, हम इसमें ये जो हमारे फ्राइड अनियन है ना इसकी लेयर, इसको लगा दें। ये अब हम कलर ऐड जो था हमारा केवड़ा वाला, इसको आप कॉर्नर कॉर्नर पे ऐसे डाल दीजिए। अभी आएगा सुंदर सा हरा धनिया, रसला वाला धनिया। किसी किसी के मुंह में तो अभी से पानी आ गया होगा जो बिरयानी लगा दिया। हमसे बड़ा भूखा कोई है जो बिरयानी वाले। और आप लास्ट में ये देशी घी ऐड कर दीजिए, इसे ना मतलब मजा आ जाता है। 1-2-3 स्पून मैं घी यूज कर रही हूँ, क्योंकि ऑयल भी फिर है हमारे पास ना ऑलरेडी। बस अब हम इसको एल्युमिनियम फॉइल से कवर कर देंगे। तो गाइस इसको ना एकदम अच्छे से कवर कर देनी चाहिए ताकि कोई हवा हवा पास ना हो, है ना। क्योंकि दम का मतलब ये होता है ना कि आप इसको बिल्कुल मतलब कवर करके बिल्कुल लो गैस पर आप इसको स्टीम दे रहे हैं। ठीक है, तो ये मैंने ऐसे एल्युमिनियम से कवर कर दिया है, और इस एल्युमिनियम के नीचे हमारा जो है वो है खजाना, हमारा सोडा खजाना है। हम इसको अच्छे से ढक करके, ओके गाइस, तो मैं अब गैस ऑन कर देती हूँ। ठीक है, और गैस को हम बिल्कुल कम कर देंगे, बिल्कुल लो फ्लेम पर आप रख दीजिए। ठीक है, और ये मैंने इसे कवर किया है। खैर हमारी कढ़ाई थोड़ी बड़ी है ना, तो उसके ढक्कन नहीं है, तो हमने ये जो आटे की परात होती है ना यार, इससे कवर कर लिया है। नो इशू, ओके। तो चकला जो है अब मैं इसके ऊपर इसको रख रही हूँ चकले को, तो ये बिल्कुल हमारा फिक्स हो गया है। ठीक है, अब हम इसको कमरे का 20-25 मिनट दम लगाएंगे। 20-25 मिनट के बाद खजाना। तो गाइस बिरयानी हो गई है तैयार, और बिरयानी अच्छा बता, बिरयानी खा के बता कैसी बनी है ये, क्या सुखी बहन, बिरयानी बता, बिरयानी खा के बता कैसी बनी है। खा ली तूने, खाइयो जरा बिरयानी, बताओ खा खा के कैसी बनी है सब। तो गाइस बिरयानी बहुत अच्छी बनी है सब कह रहे हैं। और गाइस वाले ब्लॉग का करते हैं यही एंड, और गाइस वाले ब्लॉग का करते हैं यही एंड। अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तो साले ब्लॉग को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय।